आते हैं। कितना टाइम लगता होगा ऊपर जाते हुए? सवा घंटा लगता है। सवा घंटा ऊपर तक पहुंचते वक्त? और अगर जो थोड़े से एज्ड हो? जो एज्ड हो उसको जाहिर है बैठ बैठ के जाएगा तो उतना टाइम बढ़ता जाएगा। लोग इसके लिए एक दिन अलग से डेडिकेट करते हैं। बारिश भाई, भाई ड्रीम पूरा हो गया है भाई। ड्रीम ड्रीम खुशबू बहुत मजे की खुशबू है। उसमें आग निकल गई, ये खराब हो गया। अस्सलाम वालेकुम सभी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। इस व्लॉग को अगर तुम लोगों ने लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो अभी से, क्योंकि काफी ज्यादा मजा आने वाला है। कोई सी भी कम्युनिटी देख रही है, कहां से भी देख रही है, पाकिस्तान से बाहर से कहीं से भी। तो यार आज का जो मौसम हो रहा है ना बाहर, वो बहुत ही कमाल का हो रहा है। लिटरली मॉम अभी नीचे गई थी, मॉम बता रही है कि बादल कड़क रहे हैं, बिजली भी कड़क रही है भाई। मतलब कि आज नीचे जाके मजा आ जाएगा भाई। अभी हो रहे हैं भाई एक बज रहे हैं। हाय हाय हाय, सूरज गायब है। कितना रश है, कितने पुरसकून होके लोग आज उमरा कर रहे होंगे। हल्की हल्की ठंडक भी होगी, तो फटाफट से रेडी होते हैं और फिर चलते हैं नीचे और देखते हैं भाई आज के ब्लॉग में क्या हो। ऐसे डायरेक्ट नहीं खा सकते हो, इसको खोल के खाना पड़ेगा। हम मैं लेके चलता हूँ दादी के पास, दादी खिलाएंगे आप। खुल जा सिम सिम। आए रोज की ड्यूटी पहले ये, जब बासुल उठता है तो उसके बाद वो आता है अपने दादा के कमरे में। खाना खाएगा अभी। चलो 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 चले 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 चले। क्या बारिश हो रही है? ओए मक्का की बारिश, कौन बारिश हो रही है? मिल गई, देखा हम लोग कब से कहते थे ना हमें बारिश नहीं मिलती। हमेशा हमने सिर्फ वीडियोस में देखा है कि मक्का में बारिश हो रही होती थी, लेकिन थोड़ी सी तो है मिल गई, फिलहाल अच्छी बारिश है। हमारे लिए तो हल्की हल्की हो रही है, हाथों पे लग रही है। ये देखो बूंद गिरी हाथ पे, इसको तो फुल कवर करना पड़ेगा। हाँ हो गया कवर। बॉल खाने की नहीं, खेलने की बॉल है। बासिल कहाँ जा रहे हो? आज हम थोड़ा आगे जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद हमारा प्लान है। खाने भी नहीं चलते पहले, फर्स्ट तो पेट आपका भरा होगा ना तो ही आप यहाँ पर वॉक कर सकते हो, चल सकते हो, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी इतनी लाजमी है। चलो 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 चलो। लोगों ने तो आपा वो ली हुई है अम्ब्रेला। माशाल्लाह सुभानअल्लाह भाई, बादल गड़क रहे हैं। लोगों ने यहाँ पर थैले पहन लिए भाई पूरे पूरे। और मैं आगे चले गए थे और सभा और बासिल और मम्मा जो है ना वो इस लाइन से आ रहे थे बारिश से बच बच कर, तो अभी जो है ना वो अचानक से गायब हो गए, दिख नहीं रहे यार कहीं पर भी नहीं है यहाँ पर। ओहो गाइस अभी मिल नहीं रहे ये लोग, गाइस नहीं मिल रहे हमें यहाँ पर। अभी कैसे पता लगेगा कहाँ चले गए ये लोग? नहीं है नहीं है नहीं है, दिख गए। कहाँ चले गए थे? अच्छा कपड़े चेंज करवा रहे थे। ओहो माशाल्लाह भाई, ठंड के कपड़े पहना दिए। मुझे बोला आप लोग मिस हो गए, मैं वहाँ गया देखने। तेज बारिश हो गई, तेज बारिश। अरे भाई ड्रीम पूरा हो गया है भाई। ड्रीम ड्रीम खुश हूँ ना इतनी इतनी कि मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही कैसे फील कर रहा हूँ। यार थोड़ा सा जाओ बार बार। हमेशा ये बारिश मक्का की हमने वीडियोज में देखी थी, आज फाइनली हम खुद यहाँ पर है और हमें मिल गई है बारिश। लोग जो है साइडों पर जा चुके हैं, बारिश से बच रहे हैं, हमें मजा आ रहा है बारिश में यहाँ पर। ओए हो चलते चलते हरम के हदूद से बाहर आ चुके हैं रोड साइड पर। प्लान इज दैट कि यार हमारे यहाँ पर ना सऊदी में एक हमारे ही फ्रेंड है अब्दुल मालिक फरीद, तो आज जो है हम उनके साथ मिलेंगे और उनके साथ थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे और आज के दिन हमारा उनके साथ स्पेंड होगा। तो देखते हैं आज हम कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या एक्सप्लोर करते हैं। और ये जो है प्राम से बाहर निकल गया। अरे माशाल्लाह हाजी साहब माशाल्लाह, अरे हाजी साहब माशाल्लाह, ठीक ठाक मजे में। सबसे पहला काम हमारा ये होता है प्राम को डिग्गी में रखना। राइस के खाने इतने अच्छे अच्छे दिखाते हैं भाई, आपके खाने की तारीफ कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे अच्छे खाने दिखाते हैं अपनी वीडियोस में, तो क्या खिला रहे खाने में? भी बहुत भूख लगी। जो आपका दिल करे। ओए 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 मंदी बहुत सारी खा ली। और आप प्लेटर वगैरह दिखाते हैं कुछ अच्छा जो हमने नहीं खाया। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है वैसे कि क्या खाएं, हर घर की यही स्टोरी। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, हमें खुद समझ नहीं आ रहा इतने सारे खाने हैं वहाँ पर, पूरा क्लॉक टावर भरा हुआ फूड से।
लेकिन नहीं समझ आता कि क्या खाएं क्या खाएं, तो फिर इन द एंड फिर हम अलबेग खा लेते अलबेग हाँ बेस्ट वो खा लेते बेस्ट ऑप्शन नहीं वो हम खा लेते खा लेते हमारा भी ऐसे ही है वैसे, यानी कि जिस दिन पे किसी चीज पे दिल ना कर रहा हूँ तो दो चीजों में बात खत्म होती है, पिज्जा या अलबेग। अच्छा तो पिज्जा खा, पिज्जा खाए पिज्जा नहीं, मम्मा बोल रही है जो आप अपनी वीडियोस में दिखाते हो इतने सारे सारे बड़े बड़े प्लेटर वो खाने, अब वो लाहौर के प्लेटर है। तो गाइस देखते हैं अभी फिर हम कहाँ चलते हैं और क्या खाते हैं, वरना तो ये पूरा व्लॉग मुझे लगता है क्या खाए पे निकल जाएगा। पहुंच गया जी, ये आ चुके भाई हमारे पास मेन्यू। अभी हम आए भाई किसी टर्किश रेस्टोरेंट के ऊपर, यहाँ पर सारे कबाब लगे हुए क्योंकि टर्किश जो है ना वो कबाब फेमस है उनका। कौसर रोल ये मंगाया एक और एक हमने प्लेटर मंगाया है। तो भाई आ चुका है मेन कोर्स, इसका नाम है इस्कंदर या सिकंदर, इस्कंदर इस्कंदर। और ये आगे हमारा चीज वाला बीफ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ताजिन लहम बिल जुबना, जुबना चीज है। अच्छा जुबना मतलब चीज। और ये क्या आ गया इसके साथ, अब ये दही है, खालिस दही, खालिस इसके साथ खाएंगे। हाँ, इसको इस तरीके से खाने, लेकिन ये यहाँ पे ये? अच्छा ये दही आई, ये ऊपर से गोश्त आपने लिया, ये गोश्त है और गोश्त के नीचे यहाँ पे ब्रेड पड़ी हुई है। अच्छा ओहो, ये देखें ये ब्रेड और ये गोश्त साथ में ले सही, दही के साथ यूं लगा के ना, ये क्या बात है, खाए कोई और पानी किसी और के मुंह में, क्या बात है। गाइस फूड ब्लॉगर के साथ तो अच्छा, मेरा चम्मच उधर रह गया, मैं इनका चम्मच ही ले रहा हूं, इतना खो गए मुझे खाता हुआ देख के, इनका चम्मच ले रहा हूं। ओए भाई ब्रेड भी आ जाए और ये हमने दी तो इसके साथ थोड़ी दही। अब ये नहीं कहना कि मिर्ची नहीं है इसमें, मुझे नहीं है, बहुत मजे की है, क्या बात है। इधर है आपको एक इधर से तमाशा, मक्का में हम टर्किश फूड का एक्सपीरियंस कर रहे हैं गाइस, बहुत मजा आएगा। ये इसमें चीज है, कैसे ओहो, क्या बात है, ये ताजिन बिल जुबन। भाई आज मैं बन गया हूँ फूड ब्लॉगर, आज मैं फूड ब्लॉगर हूँ। और आप भी ट्राई करें बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करते हैं। और स्पेशल रोटी है इसके साथ, कैसे स्पेशल रोटी आई है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, एक नहीं वाला चीज के साथ उठाते हैं चीज और गोश्त, इसमें शिमला मिर्च वगैरह डाली हुई है। ओए होए ख्याल से खाना भाई, तुम बहुत भी कर मैंने बनाया आराम से खाना। ये जो इसका बर्तन है ना, ये इसको गर्म रखता है। टेस्ट ये बहुत मजे का टेस्ट है। साथ साथ गाइस हमारा प्लेटर भी आ चुका है, ये बारबेक्यू प्लेटर, ग्रेट गाइस सारी चीजें आ चुकी है इसके साथ, जो जो बारबेक्यू में था। चॉप्स तो मेरी वैसी फेवरेट है और अपने रिजॉर्ट में भी हम लोग ये बनाते हैं, तो यहाँ की ट्राई करता हूँ कैसी है। सेम बहुत मजा खाना है भाई, मक्का में इतना मजा का खाना मैंने खाया। जब आपके साथ ऐसे फ्रेंड हो तो क्यों ना आप बेस्ट खाने खाओगे। लेट्स गो मजा आ गया भाई, खाना फिनिश और अब है कुछ हमारा ज्यारतों का टाइम। सो कौन सी ज्यारत पे जाएंगे अभी हम, पहले गारे सौर पे जाएंगे ठीक है इंशाल्लाह, फिर वहाँ से जाएंगे जहाँ पर हज करते हैं ठीक है, मुज़दलिफा अरफा ठीक है, वहाँ से आते हुए फिर दूसरी चीजें ठीक है डन। तो अभी हम पहुंचे हैं भाई गारे सौर के पास और गारे सौर देखने आए, काफी बड़ा पहाड़ है ये, गारे हीरा से बड़ा पहाड़ है। गारे हीरा पे तो हम चढ़ चुके थे एक बार, बट अभी हम तो नहीं चढ़ सकते, अभी सबसे हम सिर्फ विजिट कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ बासिल है, मम्मा है, पापा है। अब मम्मा पापा भी नहीं जा सकते, पिछली बार तो मम्मा पापा गारे हीरा पे हमारे चढ़ गए थे, बट अब मम्मा की भी टांग में दर्द होता है और पापा भी जल्दी थक जाते हैं। आप अकेले आएंगे तो चैलेंज होगा आपका मेरे ऊपर चढ़ने का, डन पहले पहुंचते हैं, डन पक्का हो गया, पक्का चैलेंज दिया है चैलेंजर को। गाइस नेक्स्ट टाइम आपका भाई अब सबसे पहले चल के दिखाएगा आपको। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी पहाड़ थे सूखे सूखे, सब पे हरियाली आ चुकी है, अभी ये हरे हुए हैं, पिछले साल भी हरे हुए थे, इस साल भी जी, उससे पहले 12-15 साल हरे नहीं हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, नहीं हो रहे थे। अच्छा हो जाते तो कोई हरे होने लगे तो अच्छा, हरे होते तो अच्छा है, हाँ अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं माशाल्लाह। तो ये जो सामने चोटी आपको नजर आ रही है जी, इसके बाद है, इसके भी बाद है ये रास्ता यहाँ से स्टार्ट है, हाँ यहाँ से स्टार्ट है, लोग जाते हैं आते हैं। कितना टाइम लगता होगा ऊपर जाते हुए, सवा घंटा लगता है, सवा घंटा ऊपर तक पहुँचते वक्त। और अगर जो थोड़े से एज्ड हो, जो एज्ड हो उसको जाहिर है बैठ बैठ के जाएगा तो उतना टाइम बढ़ता जाएगा, लोग इसके लिए एक दिन अलग से डेडिकेट करते हैं जो लोग ऊपर जाते हैं, लेकिन अभी गाड़ियों का रास्ता बना रहे हैं जब तक। अच्छा गाड़ी रास्ता ही बन रहा है, गाड़ी वाला अच्छा है या पैदल वाला, मेरी नजर में गाड़ी वाला ठीक है, वैसे जो चैलेंज करना है वो तो हम पैदल करना। तो भाई हर जगह मोम जो
है ना वो बाजरा ले लेती है और सारे कबूतरों को बाजरा डालती है। सो 1200 रुपए हमने ज्यादा कर लिए और अब हम जा रहे हैं मुजल्फा और मीना अरफात भी। सो लेट्स गो। अच्छा ऑलरेडी मैं 3 बार जा चुका हूँ और तीनों बार मैं उम्रे के टाइम गया हूँ, हज के टाइम नहीं गया आज तक। अच्छा? हाँ तो तीसरी बार है मेरा वहाँ जाना। इस बार वो दुआ करूंगा कि भाई नेक्स्ट ईयर मैं हज पे आ जाऊँ। किधर जा रहे हैं? अभी जाना तो अरफात की तरफ था, अगर आप लोगों ने देखा हुआ है। हाँ देखा तो है। हाँ तो फिर हम लोग चले जाते हैं गारे हिरा की एक एग्जीबिशन है जी, वहाँ पर वो पूरा गारे हिरा का मॉडल उन्होंने नीचे बना के रखा हुआ है। ठीक डन। अरे क्या निकाल लिया इसने भाई, क्या निकाल, बस इधर मत छेड़ो भाई, घेरवे ना लगा देना भाई। नहीं इसको किसी को मत छेड़ो। ओ भाई किस बात लगा रहे हो, छोड़ दो इसको। ये क्या है? बखूर। बखूर जिसमें धुआं निकलता है। हाँ चले चलाओ चलाओ, दबा के रखना पड़ेगा। साइड पे बटन को दबा के रखें, ऑन हो जाएगी। अच्छा हो गई ऑन, हो गई ऑन। अरे वाह इसमें से धुआं आ रहा है। अरे वाह खुशबू बखूर की, वाह बहुत मजे की खुशबू है। उसमें आग निकल गई, ये खराब हो गया, आग निकल गई। नहीं नहीं वो खत्म होने वाली। अरे आग आ गई, बच गए वासिले भी, आप तो इसमें हाथ लगा रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई कायदा पढ़ रहे हैं भाई महाराजा। तो गाइस पीछे लगा है भाई पूरा एग्जीबिशन गारे हिरा के बिल्कुल बॉटम पे, और दूसरा यहाँ पर जो है वो नबूवत के बारे में बताएंगे और दूसरा गारे हिरा के बारे में बताएंगे। ठीक है तो चलते अंदर विजिट करते हैं। क्या बारिश हो रही है, ओए होए माशाल्लाह भाई क्या बारिश हो रही है, पापा तो भीग रहे हैं भाई। आ जाओ भाई जल्दी आओ जल्दी आओ, बारिश हो रही है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, आयो आयो आयो। अंदर आ चुके और अंदर जो है ना स्टार्ट में सारे ब्रांड लगे हुए खाने के पीने के और कपड़ों के, बट हमें तो अंदर जाना है ना तो टिकट लेते हैं हम अंदर से उधर से और फिर चलते हैं अंदर। आ जाओ भाई 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 भाई, हो गया भाई फटा होगा। सारे पैसे हमने कटा दिया भाई। जब बासिल बड़ा होगा ना इससे दावत खाऊंगा, दावत खाऊंगा भाई। बहुत तेज बारिश हो गई है भाई और अब जा रहे हैं अंदर। शुक्र है सही टाइम पर टिकट ले लिया, अब अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पर बारिश नहीं आएगी। सो गाइस सबा और बासिल तो चले गए भाई, गाड़ी में जा रहे हैं बैक। बासिल ने यहाँ पर रोना डाल दिया। ولم تزل فطرة الأرواح البشرية ناس صالحون فلما ماتوا وسوس الشيطان إلى أقوامهم وقال اجعلوا لهم أصناما لتخلدوا أفعالهم الجميلة ففعلوا ولم يعبدوهم حتى جاء جيل بعيد عن هداية الوحي فأرسل الله تعالى نوحا عليه السلام بوحي من عنده ودعاهم ليلا ونهارا وأعلن وأسر لهم إسرارا بعد الأمم يستمرون زمنا على التوحيد ويكون الحق هو الغالب وجعل قومه يعبدون الأوثان والكواكب. Guys ये सारा जो है ना गारे हिरा के पहाड़ बने हुए और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें इधर बताई जाएंगी। इधर वीडियो अलाउ नहीं है सो मैं पहले देख लेता हूँ देन उसके बाद आपको बताता हूँ। गाइस ये मॉडल है गारे हिरा का, ठीक है, और वहाँ से भी रास्ता बनाने लगे हैं बाय रोड। हम लोग यहाँ से गए थे पैदल चल के ऊपर, अब बाय रोड भी जा सकते हैं। अरे सेम टू सेम गारे हिरा का मॉडल बनाया है गाइस, देखो आई थिंक ये किस चीज़ का बनाया है। अरे ये तो पत्थर लग रहा है। अच्छा तो हम रेल पे भी गए थे और अभी फेक वाले भी जाते हैं तो देखते हैं फाइबर का बनाया हुआ है, कितना रियल लग रहा है। इस्लाम तो इस्लाम के बाद खत्म हो गया लेकिन हदायत तो वही नबी अलैहि सलातो वसलाम की हदीस मुबारक और इसी तरह आप अलैहि सलातो वसलाम के ऊपर जो पूरे का पूरा वही के जरिए कुरान उतरा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मौजूद है। यानी इससे पहले कुरान इस तरह पत्थरों के ऊपर लिखा जाता था और इससे हरफों के पत्थरों के ऊपर लिखा जाता था और इसी तरह स्किन के ऊपर लिखा जाता था। चीदा इकराम आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा, ये पाकिस्तानी लेडी है नसीम अख्तर इनका नाम है, इन्होंने अल्लाह के पाक कलाम को कुरान मजीद फरकान हबीब को लिखने में तकरीबन 32 साल लगाए। माशाल्लाह उन्होंने स्टिच किया, ओहो 32 साल लगाए हैं। गाइस ये कुरान शरीफ जो है ना वो स्टिच हुआ है धागों से, नीचे कपड़ा है
और उन्होंने अपने हाथ से कढ़ाई हाथ से बनाया पाकिस्तान में। भाई बाहर आ चुके हैं और बारिश भी बंद हो चुकी है और मौसम देख सकते हैं आप, मगरिब का टाइम हो चुका है। गाइस ये जो एग्जीबिशन था ना यहाँ पर जो था ना, ये बता रहे थे कि यार वही जो है वो किस किस तरह कब कब नाजिल हुई और ये सिलसिला चलते हुआ आ रहा है। ये हज़रत आदम अलैहि सलाम से स्टार्ट हुआ था और आप सल्लम पर इख्तिताम हुआ था, तो उसके बाद सल्लम पर वही यहाँ पर गारे हिरा पे नाजिल हुई थी, इस वजह से वो रिलेट किया हुआ है। यस यस, और वो फर्स्ट वही नाजिल हुई थी गारे हिरा पे। सुबह मगरिब की नमाज स्टार्ट हो गई, भागो 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 भागो। अरे भाई हम तो सबा और बासिल को भूल ही गए। अरे सोरे में उठे वो दोनों, सोरा सोरा सॉरी। गाड़ी यार स्टार्ट कर दी, एसी चला के दे देते। नहीं बस ये लोग सबा, गर्मी तो नहीं लगी ना आपको? नहीं नहीं गाइस, मजा आया। हमने पहले टर्किश फूड खाया और उसके बाद फिर हमने विजिट किया एक एग्जीबिशन में, तो काफी अच्छा लगा। नमाज भी हो चुकी है हमारी अभी। फार्मेसी पे रुकना पड़ा है गाइस, पापा के कान में शदीद दर्द है, पूरे जिस्म में भी दर्द हो रहा है। दर्द की गोली लेते हैं और एक एलर्जी की गोली लेते हैं। आमीन। थैंक यू। ओए भाई निकल चुकी है प्रॉम। तो भाई पहुंच चुके हैं भाई रूम के अंदर और फ्रेंड को जो है वो हमने अलविदा कह दिया है और आज है भाई हमारा लास्ट डे मक्का में और लास्ट डे। तबीयत खराब हो गई हम सबकी यार, लिटरली सबकी, लेकिन हमने आज भी व्लॉग बनाया और फिर घूमे फिरे और ज़ियारत की। तो पापा जो है वो अभी सो रहे हैं, पापा के कान में रोई दली है, पापा के कान में दर्द है। आज लास्ट बार हम ये व्यू देख रहे हैं और आप सबको दिखा रहे हैं, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मौका मिलेगा तो फिर से दिखाएंगे आपको। ओए 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 छोड़ो तो भाई छोड़ो तो यार, क्या हो गया पापा व्लॉग नहीं बनाए क्या? आपसे एक किस्सा शेयर करने वाले जो कि एक चमत्कार हुआ है भाई हमारे साथ, तो सुने आप मॉम क्या हुआ था कल आपके साथ? ये हुआ था कि मैं और सबा गए, सबा ने कहा कि मैं तवाफ करूंगी, आप ना बासिल को देख लिया। हाँ। इतना रश होता है और इस खाने काबा को बासिल को भी हाथ लगाना था, तो हम दोनों पहले इसको हाथ लगाने गए, बड़ी मुश्किलों से लगाया लेकिन जल्दी पहुंच गया। जैसे ही उसे ऐसी फौरन हाथ लगाया और मैं बाहर आ गई, तो फिर ऐसी ये हुआ कि हम जैसे ही मैंने सबा को बोला सबा तुम डायपर अपने साथ रखो, तो सबा ने कहा नहीं मैंने नहीं रखा क्योंकि इसने पोटी वगैरह कर दी थी, तो इस वजह से सबा ने मुझे मना कर दिया। परेशानी हो गई कि अगर इसने कुछ कर दिया तो फिर क्या करूंगी, तो टाइम लगता था वाफ में। फिर जैसे ही मैं बैठी हूँ बिल्कुल हरम के सामने पहली ही रो में ना, तो किसी औरत ने मुझे लाके यूं खिसकाते हुए पैंपर वहीं रख दिया मेरे पास, सिर्फ मेरे पास ही। और मैं हैरान हो गई, मतलब डायपर कहाँ से आ गए। फिर मैंने इसको सबा को बताया, सबा कहने लगी नहीं भाई ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ। जब मैंने खोला कल तो ये बिल्कुल बासिल के नाप का, ओए देखे ना सेम, मुझे इसी बात पे वो हो रहा है कि सेम बासिल के नाप का, कुछ नहीं पता है। अरे भाई ये क्या चमत्कार हो गया भाई आपके साथ। तो इन लोग को ना ये लोग डायपर भूल गए थे कल बासिल के ले जाते हुए ना, तो बासिल ने पॉटी भी कर दी। मॉम ने बोला भाई डायपर तो है ही नहीं, अगर कर दे तो क्या हो जाएगा। तो इतने में ये लोग अंदर गए हैं खाने काबा के वहां पर तवाफ के लिए। शॉकिंग ये चीज है कि यार वहां पर लोग पैकेट लेके क्यों घूमेंगे, मतलब ये हमारे साथ हुआ सीन तो हमने बोला बताएं। तो ये बताने का मकसद भी यही है कि अल्लाह के घर में आप जो ख्वाहिश करते हो ना और जो मानते हो, अगर सच्चा दिल अगर आपका हो वो दुआ कबूल होती है और वो चीज़ आपकी कंप्लीट होती है। तो थैंक यू सो मच इस व्लॉग को जब से एंड करते, सोचा था कि ये आपको डिस्कस करूं आपको बताऊं, उम्मीद है आपको गुजबम आए क्योंकि मुझे गुजबम आ गया जब इन्होंने बताया कि यार ये देखो ये वाकया हुआ, मैंने कल बताऊंगा व्लॉग में। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। 4 मिलियन करवाओ भाई के यार, अब 4 मिलियन के लिए सब्सक्राइब बटन दबाओ, सब्सक्राइब बटन तोड़ो फोड़ो जो करना है करो, ये बटन दबाओगे ग्रीन हुआ तुम्हारा बटन, अभी नहीं होगा 2-3 घंटे बाद ग्रीन होगा भाई, बटन दबा के रखो। हाँ हाँ रेड बटन जो है नीचे उसको दबा दो भाई, अल्लाह हाफिज़ टेक केयर।